Good afternoon, myself Sanjay Makwana, lecturer automobile engineering, government polytechnic college, Ajmer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच किस तरीके से काम करता है इसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये क्रैंकशाफ्ट है जिसको इंजन शाफ्ट भी बोलते हैं। ये फ्लाईव्हील है, दिस इज कॉल्ड फ्लाईव्हील। इंजन से जो पावर आती है वो फ्लाईव्हील में आती है और फ्लाईव्हील रिवॉल्व करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और ये फ्लाईव्हील के अंदर वाइंडिंग्स बनी हुई है जो सर्कमफेरेंशियल ग्रूव है, एक ग्रूव कटा हुआ है उसके अंदर ये वाइंडिंग बनी हुई है। और ये देखिए आप क्लच प्लेट है, इसको बोलते हैं क्लच प्लेट। ये सिंगल प्लेट क्लच प्लेट है जो कि इस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्लाइंस कटी हुई है, स्प्लाइंस इसके ऊपर माउंटेड है। और ये जो स्प्लाइंस है इसके ऊपर ये क्लच प्लेट जो है वो एक्सियल मूवमेंट कर सकती है, आगे और पीछे हो सकती है, प्रेशर प्लेट के प्रेशर लगाने पे एक्सियल मूवमेंट कर सकती है, इसलिए स्प्लाइंस वाली शाफ्ट के ऊपर माउंट है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि प्रेशर प्लेट है, ये ठीक पीछे प्रेशर प्लेट है जो कि क्लच शाफ्ट से अटैच है और ये शाफ्ट आगे जाके गियर बॉक्स से जुड़ी हुई है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब ये वर्क कैसे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। अपन ने जो नॉर्मली अपन सिंगल प्लेट वाली क्लच प्लेट है उससे थोड़ा सा अलग हटके ये काम करती है क्योंकि इसमें सप्लाई का मेथड मैनुअली नहीं है, करंट बेस्ड है। क्या होता है कि जब अपन को इसको एंगेज करना होता है तब सबसे पहले डायनामो से या बैटरी से, या तो डायनामो से या बैटरी से अपन सप्लाई देते हैं वाइंडिंग्स में। जैसे वाइंडिंग में सप्लाई जाती है ये एनर्जाइज हो जाती है, वाइंडिंग एनर्जाइज हो जाती है और इसके कारण इसमें मैग्नेटाइज हो जाती है और मैग्नेटाइज होने से ये मैग्नेट की जैसे काम करती है और प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचेगी। अब फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है और इसमें सप्लाई जाते ही ये मैग्नेटाइज हो गई और प्रेशर प्लेट को ये अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब प्रेशर प्लेट इसकी तरफ खींचेगी तो जो क्लच प्लेट है ये प्रेस होके और फ्लाईव्हील से अटैच हो जाएगी जैसे नॉर्मली होता है। तो जब ये फ्लाईव्हील से अटैच हो जाएगी तो फ्लाईव्हील के साथ घूमने लगेगी और जब फ्लाईव्हील के साथ घूमने लगेगी तो पावर इस क्लच प्लेट के थ्रू क्लच शाफ्ट में चली जाएगी और गियर बॉक्स की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो ये तो इसकी एंगेज कंडीशन है। और जब अपन डिसएंगेज करते हैं तब इसमें अपन जो वाइंडिंग पर अपन करंट की सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। तो जब करंट की सप्लाई कम हो जाती है तो डिसएंगेज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और प्रेशर प्लेट दूर हट जाएगी और ये डिसएंगेज वाली कंडीशन इसकी बन जाएगी। कभी कभी क्या होता है नॉर्मली यहाँ पर सप्लाई जो है वो करंट की कम होती है तो इस वजह से इसमें तीन कॉइल स्प्रिंग्स भी, हेलिकल कॉइल स्प्रिंग्स भी इस प्रेशर प्लेट के पीछे जो यार डायग्राम में नहीं दिख रही है यहाँ होती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ करंट की अमाउंट कम है तो हेलिकल कॉइल स्प्रिंग्स इस पर प्रेशर लगा के इसको एंगेज कंडीशन में रखती है लो करंट की स्थिति के अंदर। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, ये तो इसकी वर्किंग हुई। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन क्या है कि जब भी अपन गियर चेंज करते हैं तब अपन क्लच को डिसएंगेज करते हैं। तो वो काम यहाँ पर जैसे अपन ड्राइवर जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच प्लेट लगी हुई है, जैसे ही ड्राइवर गियर बॉक्स में गियर लीवर को चेंज करने के लिए अप्लाई करता है तो उसी गियर लीवर के अंदर एक स्विच लगा होता है जिसको बोलते हैं क्लच रिलीज लीवर। तो उससे क्या होता है कि यहाँ जो करंट की सप्लाई है वो कम हो जाती है। जैसे यह करंट की सप्लाई कम होगी तो प्रेशर प्लेट या डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट कम होते ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और यहाँ जो मैग्नेट बन रहा था वो कम हो जाएगा और ये प्रेशर प्लेट पीछे चली जाएगी। तो ये डिसएंगेज की कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में अपन गियर आराम से बदल सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कब है कि जब हम एक्सीलरेटर पैडल से गाड़ी को स्पीड अप करते हैं तब ये एंगेज रहना चाहिए, तो वहां पर अपन एक्सीलरेटर पैडल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रियोस्टेट की सहायता से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब अपन एक्सीलरेटर पैडल को प्रेस करते हैं तब रेजिस्टेंस जो है, अब क्योंकि अपन प्रेस कर रहे हैं इसका मतलब अपन स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जब स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस की जो मात्रा है वो एकदम से कम हो जाती है जिसके कारण करंट की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा जाती है वाइंडिंग्स में। तो जब करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेट ज्यादा बनेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा और ये फुली एंगेज वाली कंडीशन रहेगी। और जब अपन एक्सीलरेटर पैडल से पांव हटाते हैं, जब एक्सीलरेटर पैडल पीछे आएगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की सप्लाई कम हो जाएगी वाइंडिंग्स में के अंदर, और जब करंट की सप्लाई वाइंडिंग्स में कम हो जाएगी तो डिसएंगेज वाली कंडीशन बन जाएगी। और इसी प्रकार से जब अपन ब्रेक लगाते हैं
तो अपन क्या क्लच दबा के ब्रेक लगाते हैं ताकि ब्रेक इफेक्टिव लगे। तो वही कंडीशन होता है जब अब क्योंकि अपन क्लच पैडल से प्रेस पांव हटाएंगे तो जो एक्सेलरेटर पैडल से पांव हटाएंगे तो जैसे अपन एक्सेलरेटर पैडल से पांव हटाया तो रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये डिसएंगेज हो जाती है और इसके बाद अपन ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं तो ब्रेक काफी इफेक्टिवली लगेंगे। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच की वर्किंग अपन समझ सकते हैं। धन्यवाद।